सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कॉमेडी पुस्तक की उत्तर पत्रिका के 52वें अभ्यास के गृह कार्य को मिलान कराने के लिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आपने जो 52वां अभ्यास 52 लेसन जो आपने पढ़ा, इसको हमने पढ़ाया, उसके अंदर जो गृह कार्य दिया था उसका मिलान कीजिएगा। अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा, पेन को उठा लीजिएगा और जहां पर आपको गलतियां आपने की हैं उनका सुधार करते जाइएगा। चलिएगा, ये 52वां अभ्यास था मित्रों, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया था विस्तार से, ठीक है। और इसके अंदर ये गृह कार्य दिया गया था, ये गृह कार्य दिया गया था, इसके अंदर संस्कृत बनाओ, ये 20 वाक्य आपको बनाने के लिए दिए थे, इनका मिलान करना है। और इसी ख को, ख विभाग के जो 14 से 20 तक के वाक्यों को फिर दोबारा लोट में, लंग में, विधिलिंग में और लृट लकार में बदलने के लिए कहा गया था, इसका मिलान करना है। बस यही कार्य थे, बाकी के ये आपको मैंने बता दिए थे आपको करना है और स्वयं ही उनका मिलान करना है। चलिएगा, नोटबुक खोलिएगा अपनी। अभ्यासः द्वापञ्चाशत्तमः 52वां का विभाग एक, विद्यावन्तो मतिमन्तो ज्ञानवन्तश्च स्वकीयेन ज्ञानेन देशस्योद्धारं कुर्वन्ति। दो, भास्वान सानुमति द्योतते तीन, गरुत्मान नभसि उड्डीयते अथवा उड्डयते भी बना सकते हैं, दोनों हैं, ठीक है। ये दो जो डी धातु है ये दो हैं, एक भ्वादिगण की है और एक ये आपकी दिवादिगण की है, तो ये आपको दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे ऐसा लिख लीजिएगा उड्डीयते अथवा उड्डयते, दोनों का अर्थ एक ही है, जो भी आपने लिखा है उसमें से एक वो सही है। चार, आपणात् तंडुलम गोधूमम चणकम यवम माशम मसूरम सर्षपम धान्यम चानाय। पांच, पलाण्डुं लशुनं च न भक्षय, यदि भक्षयसि चेत् न्यूनं भक्षय। चलिएगा, आगे आ जाइएगा। छः, मह्यं भोजनेन सह सन्धितं अवलेहं च रोचेते, क्योंकि यहां दो हैं, संदित माने अचार और चटनी, तो यहां द्विवचन आ गया रोचेते, ठीक है। सात, धनवत्याः स्त्रियः सुखेन जीवन्ति। आठ, गुणवत्याः ज्ञानवत्यश्च स्त्रियः स्वकीयानि अपत्यानि स्वयमेव पाठयन्ति। नौ, गांधी महोदयः महापुरुषः आसीत्। दश, पंडिताः जवाहरलाल नेहरू महोदयः भारतवर्षस्य सदा आदरणीयः
अस्ति। 11 महाराणा प्रताप महोदयः देशरक्षकेषु अग्रगण्यः आसीत्। 12 कानपुर नगरे लखनऊ नगरे प्रयाग नगरे वाराणसी नगरे च जनसंख्या अधिका अस्ति। 13 रेलयानं मोटरयानं च अतीव तीव्रेण धावतः। चलिए आगे। 14 रामः मार्गं रुणद्धि। 15 त्वं बालकं रुणत्सि। 16 अहं दुष्टं रुणद्मि। 17 रामः रावणमरुणत्। ठीक है, तो रावणम अरुणत मिला के लिखा है, आप अलग अलग लिखा है तो भी ठीक है। 18 पिता पुत्रम असत्य भाषणाद रुणद्धु। पिता पुत्रम असत्य भाषणात् मैंने मिला के लिख दिया है, ठीक है, रुणद्धु। 19 योधः शस्त्रेण शत्रून् छिनत्ति। 20 सा वृक्षं छिनत्ति। ख अब इसको लोट और लंग और विधिलिंग में बदलना था, ख विभाग को उसका मिलान कीजिएगा अपना। 14 मां 14 से आरंभ हुआ है, रामः मार्गं रुणद्धु ये लोट का हो गया, अरुणत ये हो गया लंका, और रुंध्यात ये विधिलिंग का हो गया, रोत्स्यति ये लृट लकार का हो गया। इसी प्रकार से एक ही वाक्य में आपके लोट लंग विधिलिंग और लृट लकार के वाक्यों का मिलान कराना है आपका, ठीक है। चलिए 15 त्वं बालकं रुणद्धु अरुणः रुंध्याः रोत्स्यति। 16 अहं दुष्टं रुणधानि अरुणधं रुंध्यां रोत्स्यामि। 17 रामः रावणं रुणद्धु अरुणत् रुंध्यात् रोत्स्यति। 18 पिता पुत्रमसत्यभाषणात् रुणद्धु अरुणत् रुंध्यात् रोत्स्यति। 19 योधः शस्त्रेण शत्रून् छिनत्तु अच्छिनत् छिन्द्यात् छेत्स्यति। 20 स वृक्षं छिनत्तु अच्छिनत् छिन्द्यात् छेत्स्यति। ठीक है, ये आपके इस पूरे अभ्यास में जो भी गृह कार्य दिया था वो मिलान करा दिया, ठीक है। आगे की कक्षा में आपको हम 53 में अभ्यास के होमवर्क का मिलान कराएंगे, और आपको कोई भी कठिनाई होती है इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और इन कक्षाओं को पढ़ते समय कोई शंका उपस्थित होती है, कोई प्रश्न रहते हैं आपके मन में, उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि आप हमें एक पेपर पर साफ पेपर पर साफ लिख करके अपने प्रश्नों को स्पष्ट भाषा में प्रत्येक शनिवार को प्रातः 8 बजे से लेकर के साय के 5 बजे से पहले पहले आप हमें भेज दें, अपना नाम भी लिखें,
तो हम प्रत्येक शनिवार को लाइव आते हैं, उसमें आपकी शंकाओं का प्रश्नों का समाधान कर देते हैं, ठीक है। ये आपके लिए सुविधा है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे। और वैसे भी आप हमारे इस व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा तो आपको और भी सूचनाएं मिलती रहती हैं, और इस व्हाट्सएप को आप हमें संदेश करेंगे तो हम आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे, तो आप प्रतिदिन व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाई गई सूचनाओं का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि स्टेटस तभी आप देख पाएंगे जब हम आपका नंबर सेव करेंगे। ये व्यवस्था है, पॉलिसी है व्हाट्सएप की। तो आप यदि हमारा स्टेटस देखना चाहते हैं व्हाट्सएप का, वहां पर प्रतिदिन नए नए स्टेटस लगाए जाते हैं सूचनाओं के बारे में अथवा कुछ अच्छी बातों के बारे में, तो हमारा स्टेटस आप देखना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर संदेश भेजिएगा और हमें रिक्वेस्ट कीजिएगा कि गुरुजी आप हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा, जिससे हमें भी आपका व्हाट्सएप देववाणी संस्कृतम का व्हाट्सएप स्टेटस दिखता रहे। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को ज्ञात है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है मित्रों 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही बैठे बैठे शुद्ध संस्कृत भाषा को सिखाना और संभाषण लेखन सिखाना, निःशुल्क सिखाना, कोई शुल्क नहीं आपसे लेते मित्रों। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा निस्वार्थ भाव से, हम भी निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। आप अपने सभी स्वार्थों को छोड़ दीजिएगा, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में इस स्वार्थ की कोई बाधा ना आए। जो भी कोई संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहा है उसका समर्थन कीजिएगा, तभी आपकी प्रतिष्ठा होगी संसार में, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा। और यदि आप भाषा को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जानते हैं, उस भाषा को यदि लोग अधिक जानते ही नहीं है तो आपकी प्रतिष्ठा सम्मान हमेशा थोड़ा रहेगा, ना के बराबर रहेगा। तो यदि आप हम सभी को यदि प्रतिष्ठा और सम्मान अधिक चाहिए तो अधिक लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अधिक लोगों को संस्कृत भाषा सिखानी होगी। और ये अभियान इसीलिए चलाया है कि बिना किसी पैसे के दिए हुए, बिना फीस के हर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा को सीख ले। चलिएगा जुड़ जाइएगा, ये कॉलिंग नंबर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको ठीक से चीजें यहाँ पर नहीं प्राप्त हो सकेंगे। जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए सभी सामग्री ओपन रहती है। सर्वेभ्यो नमः।